हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बायोडायवर्सिटी पर रिपोर्ट देखेंगे, जो एक नई रिपोर्ट 2019 में आई थी, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज पर। तो इस रिपोर्ट को हमें देखना होगा। देखो, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को देखना है, किस संस्था ने इसे जारी किया ये देखना है, आईपीसीसी से वो कैसे अलग है ये भी हमें देखना है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे उड़ीसा ने एक पेस्टिसाइड को बैन किया है उसे हमें देखना होगा, ताज ट्रेपेजियम जोन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको हम आज की क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि ये पहली रिपोर्ट है आईपीबीईएस की, इसकी ये पहली रिपोर्ट है। ये आईपीसीसी की तरह ही काम करता है, तो ये दोनों लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। तो इन दोनों संस्थाओं में क्या अंतर है ये भी हमें देखना होगा, और इस रिपोर्ट में क्या है ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम आईपीबीईएस के बारे में देखते हैं कि ये है क्या। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो, यह है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो, आई से बना इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म, पी से हो गया पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, एस से हो गया सर्विसेज। तो ये आईपीबीईएस का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये आईपीसीसी की तरह ही एक संस्था है, लेकिन कुछ ये अंतर है तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही पता होना चाहिए कि इसकी ये रिपोर्ट आई है और इसकी ये पहली रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये क्या है। आईपीबीईएस इज एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, स्वतंत्र क्या है, अंतर सरकारी संस्था है, एस्टेब्लिश बाय द मेंबर स्टेट्स इन 2012, इसके सदस्यों के द्वारा 2012 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पनामा सिटी ऑन 21 अप्रैल 2012 में पनामा सिटी में इसको स्थापित किया 94 गवर्नर्स के द्वारा। इट इज नॉट ए यूनाइटेड नेशंस बॉडी, ये यूनाइटेड नेशंस की क्या है, बॉडी नहीं है, यूएन की बॉडी नहीं है ये। आईपीसीसी जो है वो यूएन की बॉडी है, वो यूएन का पार्ट है, ये यूएन की बॉडी नहीं है। पहला अंतर तो यही कि ये यूएन का पार्ट नहीं है, वो यूएन का पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि वो क्लाइमेट चेंज के संबंध में काम करती है, ये बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के संदर्भ में काम करती है। तो दोनों में ये अंतर है, दोनों में सिमिलरिटीज भी है, वो भी आगे देखते हैं हम, ठीक है। इट्स ए ग्लोबल साइंटिफिक बॉडी सिमिलर इन कंपोजिशन एंड फंक्शन टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी के समान ही इसकी फंक्शनिंग है और इसकी संरचना भी वैसी ही है। आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक बेसिस ऑफ ऑन विच द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैव बीन हैपनिंग। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो आधार रखती है क्लाइमेट चेंज के जितने भी नेगोशिएशन होते हैं, जितनी भी चर्चाएं होती हैं, उसको वो क्या करती है, वैज्ञानिक आधार देती है। देखो, आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक बेसिस ऑन विच द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैव बीन हैपनिंग। जो नेगोशिएशन हो रही है क्लाइमेट चेंज पर, उनका जो वैज्ञानिक आधार कौन प्रदान करता है, आईपीसीसी की रिपोर्ट। अभी आगे देखेंगे, आईपीसीसी खुद कोई रिसर्च नहीं करता है, वो क्या करता है कि जितने भी रिसर्च पेपर आए हैं क्लाइमेट चेंज पे उनका असेसमेंट करता है। देखो, नाम ही इसका क्या, असेसमेंट, तो उनका असेसमेंट करके रिपोर्ट बनाता है। तो खुद कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता, उन रिपोर्ट्स पर ये क्या करता है, उनकी असेसमेंट करके क्या करता है, उपलब्ध कराता है। तो ये इसी तरह ये भी क्या करता है, आईपीबीईएस भी खुद कोई रिसर्च नहीं करता, असेसमेंट करता है अन्य रिपोर्ट्स का, अन्य साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका असेसमेंट करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। आगे देखो, आईपीबीएस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द आईपीसीसी फॉर बायोडायवर्सिटी। ये बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसीलिए इसे आईपीसीसी फॉर बायोडायवर्सिटी कहते हैं। एज इट इज मैंडेट टू डू ए सिमिलर जॉब फॉर नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। जिस तरह इसका मैंडेट मिला है काम करने का क्लाइमेट चेंज के लिए, इसका मैंडेट है किसके लिए, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी के लिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस, विज्ञान
साइंस का और पॉलिसी का नीति के बीच में जो अंतरक्रिया है उसको क्या करता है, प्रोत्साहन देता है किसके लिए, बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए। तो क्या करता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, उनके बीच अंतरक्रिया को बढ़ाता है। तो ये था आपका कौन सा, आईपीबीईएस। अब देखो आईपीसीसी क्या है, तो अगर वो है तो इसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसका जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था, उसका 2012 में हुआ, इसका 1988 में हुआ, और इसे बनाया किसने, WMO और UNEP के द्वारा। इसका क्या किया गया, गठन किया गया 1988 में, लोकेटेड एट WMO हेडक्वार्टर इन जिनेवा। इसका जो क्वार्टर हेडक्वार्टर है वो कहां है, WMO के जिनेवा वाले हेडक्वार्टर में है, ठीक है। एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मेंबरशिप ऑफ द आईपीसीसी ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN, यूनाइटेड नेशंस एंड WMO, सभी मेंबर्स के लिए खुली है जो किसके सदस्य हैं, UN के और WMO के। इसके अलावा करंटली 195 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द आईपीसीसी, कितने 195 मेंबर हैं। आगे देखो, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज यूनाइटेड नेशंस बॉडी। देखो ये लिखा ना, ये यूनाइटेड नेशंस की क्या है, बॉडी है, लेकिन उस पर लिखा था वो UN बॉडी नहीं है। फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो विज्ञान है उसको क्या करता है, उसकी असेसिंग करता है, ठीक है, उसका रिव्यू करता है। देखो ये रहा, द आईपीसीसी रिव्यूज एंड असेस द मोस्ट रिसेंट साइंटिफिक टेक्निकल सोशल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। विश्व भर में जितनी भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित सामाजिक आर्थिक तकनीकी वैज्ञानिक जितनी भी रिसर्च हुई है उन्हें क्या करता है, असेस करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, इट डज नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च, कोई रिसर्च कंडक्ट खुद नहीं करता, नॉर डज इट मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और पैरामीटर, और ना ही उससे संबंधित किसी डेटा को मॉनिटर करता है। रिसर्च पेपर आते हैं उनको क्या करता है, उनका रिव्यू करता है, उन्हें असेस करता है और फिर अपनी रिपोर्ट बना देता है। तो ये है आपका आईपीसीसी। तो आईपीपीसी और दोनों में अंतर यही है कि ये वो UN बॉडी है ये वाला, और वो UN बॉडी नहीं है। दूसरा क्या हुआ, वो बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के क्षेत्र में काम करता है, ये क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में काम करता है। बाकी दोनों के काम क्या है, सेम है, ये भी रिपोर्ट को असेस करता है, वो भी रिपोर्ट्स को असेस करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये आईपीसीसी से अलग कैसे है। देखो सबसे पहले देखो, लाइक आईपीसीसी आईपीबीईएस डज नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू साइंस, कोई नई साइंस ये पैदा नहीं करता है। इट ओनली इवेलुएट एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज टू मेक असेसमेंट एंड प्रोजेक्शन, जो पहले से उपलब्ध साइंटिफिक नॉलेज है उसी को क्या करता है, असेस करता है, उसका रिव्यू करता है, जिसके आधार पर वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है। आगे देखो दूसरा, However, unlike IPCC, the IPBES assessment reports are likely to feed into and inform several multilateral processes. जैसे वो तो किसको देता है, क्लाइमेट चेंज के प्रति, UNFCCC के प्रति, ये किसको देगा, बहुत सारे मल्टीलेटरल जो प्रोसेसेस हैं उनमें ये क्या करेगा, इनपुट के रूप में काम आएगा, ठीक है। द UN कन्वेंशन आर लाइकली टू बी गाइडेड बाई दिस रिपोर्ट इन फ्यूचर, दो UN कन्वेंशन है जो सबसे ज्यादा इससे क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, वो कौन सी है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी CBD, और दूसरा कौन सा होगा, कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, जो डिजर्टिफिकेशन पे था UNCCD, याद आया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वो भी इससे प्रभावित होगा, दोनों इससे इनपुट लेंगे। इसके अलावा ये किस किस को दे सकता है, रामसर कन्वेंशन को, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स को, कार्टाजेना प्रोटोकॉल में ऑल्सो फाइंड सम इनपुट्स, उनको भी कुछ इनपुट्स ये दे सकता है, मेनली इन दो को, CBD को और UNCCD को, इन दो में ये क्या करेगा, इनपुट के काम में, आधार के रूप में काम करेगा। तो ये आईपीसी से इस तरह से अलग है, आईपीसी सिर्फ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के लिए काम करेगा। अब देखो, अब इस रिपोर्ट में क्या क्या है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इस रिपोर्ट में क्या क्या गया, देखो द प्रेजेंट वन इज द फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट बाय द आईपीबीईएस, इसके द्वारा ये पहली रिपोर्ट जारी की गई है, और आईपीसीसी के द्वारा देखो आईपीसी सेटअप इन 1988 में हैज प्रोड्यूस्ड 5 रिपोर्ट्स सो फार, अब तक आईपीसीसी जो है वो 5 रिपोर्ट्स दे चुका है, जबकि इसकी कैसी रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट है,
तो आगे देखो, इट इंक्लूड्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ, सॉरी, ये क्या करता है, 15,000 साइंटिफिक एंड गवर्नमेंटल सोर्सेज और रिसोर्सेज जो कलेक्ट किए गए हैं इधर उधर से, उन सबको क्या करता है, रिव्यू करता है। ठीक है, देखो, द आईबीपीईएस रिपोर्ट मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द स्टेट ऑफ अर्थ नेचुरल इकोसिस्टम। तो अर्थ का नेचुरल इकोसिस्टम है उसका क्या करता है, रिव्यू करता है, उसका इवेल्युएशन मूल्यांकन करता है। ठीक है, इट गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हेल्थ ऑफ द स्पीसीज, ये जो प्रजातियां हैं उनकी हेल्थ के बारे में डिटेल्ड अकाउंट देता है, दैट इनहिबिट अर्थ एंड द कंडीशन ऑफ हैबिटेट, जो अर्थ पर रहती हैं उन सभी स्पीसीज की हेल्थ के बारे में नॉलेज देता है, उसकी स्थिति के बारे में, एंड द कंडीशन ऑफ हैबिटेट्स, और उनके आवास के बारे में भी हमें जानकारी देता है, दैट दे आर लिव इन एंड डिपेंड अपॉन, जिसमें वो रहती हैं और जिन पर वो निर्भर है। तो ये क्या करेगा, उनकी स्पीसीज की स्थिति के बारे में और उनके आवास के बारे में जानकारी देता है। देखो है ही क्या, बायोडायवर्सिटी है, तो बायोडायवर्सिटी में क्या आएगा, स्पीसीज आएंगी, तो उन स्पीसीज के बारे में, और इकोसिस्टम हैबिटेट के रूप में काम करेगा, तो उसमें सब में क्या आ जाएगा, तो उनकी स्थिति के बारे में और उनके हैबिटेट के बारे में क्या करेगा, जानकारी देता है डिटेल में। तो ये रिपोर्ट में ये बताया गया। अब बताया क्या क्या क्या, देखो ये महत्वपूर्ण है, द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम दैट ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज डिपेंड ऑन इज डेटेरिएटिंग मोर रैपिडली देन एवर, जिसमें हम इकोसिस्टम में हम रह रहे हैं उसकी जो स्थिति है वो लगातार क्या हो रही है, निम्नीकृत होती जा रही है, इस बार इसमें ये कहा गया है। उसके अलावा देखो वो कह रहे हैं, 1 मिलियन स्पीसीज, एज मेनी एज 1 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मोर देन एट एनी प्रीवियस टाइम। कह रहा है लगभग 1 मिलियन जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति का खतरे का सामना कर रही है, 1 मिलियन, और टोटल कितनी है, 8 मिलियन है। दिस इज आउट ऑफ ए टोटल ऑफ एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। वो कह रहा है 8 मिलियन में से टोटल प्रजातियां कितनी है, 8 मिलियन, इतने का एस्टिमेशन है। इसमें से 1 मिलियन जो है वो क्या कर रही है, थ्रेट फील कर रही है एक्सटिंक्शन का, विलुप्ति का। इसके अलावा कह रहा है, द थ्रेट इज बिकॉज ऑफ चेंज ब्रॉट अबाउट इन नेचुरल इन्वायरमेंटल बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ये हु क्यों रहा है, क्योंकि मानव ने क्या किया है, चेंज ला दिया है नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप ये क्या आ रहा है, इनकी विलुप्ति आ रही है। वो कह रहा है द करंट रेट ऑफ ग्लोबल स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज 10 to 100 times हायर कंपेयर टू द एवरेज ओवर द लास्ट 10 मिलियन ईयर्स। वो क्या कह रहा है इसमें, कि पिछले अगर 10 मिलियन वर्षों को देखें तो इसमें जो एवरेज निकला था, इसमें जो एवरेज है प्रजातियों के विलुप्ति का, उसकी तुलना में वर्तमान में 10 से लेकर 100 गुना ज्यादा क्या हो रहा है, उनकी विलुप्ति हो रही है। देखो ये कह रहा है, द करंट रेट ऑफ ग्लोबल स्पीसीज एक्सटिंक्शन, जो वर्तमान दर है प्रजातियों के विलुप्ति की, इज 10 to 100 times 10 से 100 गुना ज्यादा है, हायर कंपेयर टू द एवरेज ओवर लास्ट 10 मिलियन ईयर, जो पिछले 10 मिलियन वर्षों का जो एवरेज था उससे 10 से 100 गुना ज्यादा क्या हो रही है, विलुप्ति हो रही है वर्तमान में। तो काफी तेजी से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और बताया भी है इसने कि 1 मिलियन जो है वो विलुप्ति के कगार पर है 8 मिलियन में से। तो ये इसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो क्या बताया गया, नेचुरल हैबिटेट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एट एन एक्सेलरेटिंग पेस, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, प्राकृतिक जो आवास है वो नष्ट हो रहे हैं। 75% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, जो अर्थ का जो लैंड है स्थल है उसका 75%, एंड 66 मैराइन एनवायरमेंट, 66% जो मैराइन एनवायरमेंट हैव बीन सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड, वो महत्वपूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। जो स्थल पर जो हैबिटेट है उनका 75% और जो मैराइन एरिया है उसका 66% क्या हो चुका है, काफी हद तक परिवर्तित हो चुका है। और क्या कहता है, वेटलैंड एरिया 85% तक क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अर्थात जितने वेटलैंड थे उनका 85% तो खत्म हो चुका है। तो गंभीर खतरा है बायोडायवर्सिटी के सामने। इसके अलावा देखो, बट ऑन एन एवरेज
ऑन एन एवरेज दीज ट्रेंड्स वर लेस सीवियर ऑन एरिया कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज लाइक द ट्राइब्स। ये बात इसने बहुत महत्वपूर्ण की है। ये रिपोर्ट कह रही है कि जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है वहां पर ये विलुप्ति की ये खतरे क्या है, कम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्थानीय लोग प्राकृतिक संसाधनों का, बायोडायवर्सिटी का प्रबंधन बेहतर करते हैं। तो यही इस रिपोर्ट की खास बात है। इसने लिखा, बट ऑन एन एवरेज दीज ट्रेंड्स वर लेस सीवियर ऑन एरियाज कंट्रोल और मैनेज्ड बाय इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज लाइक द ट्राइब। जहां पर ये लोग प्रबंध कर रहे हैं या इनके द्वारा कंट्रोल्ड एरिया है वहां पर ये विलुप्ति की दर बहुत कम है। ठीक है, ये जो जितने के जितने सारे के सारे ट्रेंड्स हैं वो क्या है, वहां पर कम है। हो तो रहा है लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, बहुत कम है। अर्थात ये हम जो सामान्य लोग हैं या उनको जो तकनीक पर आधारित है उनकी तुलना में ये क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, द नेगेटिव ट्रेंड्स इन नेचर आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू 2050 एंड बियॉन्ड। 2050 और उसके बाद भी ये प्रभाव चलते रहेंगे। ऑफ द पॉलिसी सिनेरियो एक्सप्लोर्ड इन द असेसमेंट, कि कोई भी सिनेरियो हो, किसी भी स्थिति को अगर हम मान लें तो ये ट्रेंड्स 2050 और उसके बाद चलते ही रहेंगे। कि स्पीसीज का एक्सटेंशन, प्राकृतिक पर्यावास में की गुणवत्ता में गिरावट, वेटलैंड्स का विलुप्त होना, ये सब चलता ही रहेगा। इसके आगे देखो, ये भी एक बात कही है, इट रैंक्स फाइव डायरेक्ट ड्राइवर्स दैट कॉज चेंजेस इन नेचर एंड सॉरी इट रैंक्स फाइव डायरेक्ट ड्राइवर दैट कॉज चेंजेस इन नेचर दैट हैव द लार्जेस्ट रिलेटिव ग्लोबल इंपैक्ट। इसने पांच ड्राइवर्स को बताया कि ये पांच कारक हैं जो इन परिवर्तनों में मुख्य योगदान दे रहे हैं। तो ये पांच कौन से हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लगाया। तो सबसे पहला है चेंज इन लैंड एंड सी यूज। जो हम स्थल पे लैंड यूज चेंज कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कारक है। वनों की जगह हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं तो वो सब लैंड यूज चेंज में आता है। तो जो लैंड यूज चेंज हम कर रहे हैं वो और सी यूज, सी का जो हम यूज में चेंज लाए हैं वो सब सबसे बड़ा प्रभावी कारक है। डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का जो हम डायरेक्ट शोषण कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उनका विभिन्न चीजों में यूज कर रहे हैं वो भी। दूसरा, तीसरा कौन सा है, क्लाइमेट चेंज। चौथा है पोल्यूशन और पांचवा है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो ये पांच ड्राइवर्स हैं जो इन सभी का कारण है, उनको ये घटते हुए क्रम में लगाया गया है और वो ये है। ठीक है, तो ये आपकी ये रिपोर्ट थी जिसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसे हमने देख लिया, तो याद रखना है ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी ये कैसी रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट है। और याद रखना है ये आईपीसी से कैसे अलग है, ये यूएन की बॉडी नहीं है, 2012 में गठित हुई है। ठीक है, तो इसको सबको आपको ध्यान में रखना है। तो पहली रिपोर्ट है तो ये आ सकती है, इसके बारे में पीटी में वो कुछ पूछ सकता है कि आप तो संस्था के बारे में ही पूछ ले। तो इतना यहीं रुकते हैं, अब आगे देखते हैं कुछ चीजों को और। तो कुछ मुद्दों को और देखना था हमें, जल जीवन मिशन हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, अब उससे आगे कुछ चीजों को और देखना है हमें। ठीक है, तो उन्हें देखते हैं। तो उनमें सबसे पहला मुद्दा है वाटर स्ट्रेस का। तो देखो वाटर स्ट्रेस क्या है, तो देखो ए न्यू डाटा अबाउट वाटर स्ट्रेस वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा वाटर स्ट्रेस पर डाटा जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, द वन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फेसेस एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ बेसलाइन वाटर स्ट्रेस। वगैरह विश्व की
एक चौथाई जनसंख्या जो है वो एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस का सामना कर रही है। इसके अलावा ग्लोबली वाटर विड्रॉल हैव मोर देन डबल, तो वैश्विक स्तर पर जो जल का यूज किया जा रहा है उसका जो दोहन किया जा रहा है वो डबल हो चुका है। तो ये दो बातें इसने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि वन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फेसेस एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ बेसलाइन वाटर स्ट्रेस, जो आधारभूत जो वाटर स्ट्रेस है उसको फील किया जा रहा है वर्ल्ड की एक चौथाई जनसंख्या के द्वारा। इसके अलावा जो हम वाटर का विड्रॉ कर रहे हैं, जो वाटर का यूज कर रहे हैं, वो हम डबल कर दिया हमने पहले की तुलना में, ठीक है, सिंस द 1960 ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड, ठीक है, किसके 1960 की तुलना में, 1960 से हमने इसकी डिमांड बढ़ने के कारण हमने विड्रॉल क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो देखो ये लिखा, ग्लोबली वाटर विड्रॉल्स हैव मोर देन डबल्ड सिंस द 1960 ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड, ठीक है। इसके अलावा 17 कंट्रीज फेसेस विड्रॉल ऑफ 80% और मोर अवेलेबल सप्लाई, 17 देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उनको जितनी सप्लाई हो रही है वाटर की, उपलब्ध सप्लाई है जल की, उसका 80% वो विड्रॉ कर रहे हैं, और 12 ऑफ देम आर 12 ऑफ देम आर इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। उनमें से 17 में से 12 कहां है, मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये सारा शुष्क इलाका है, यहां पर वाटर स्ट्रेस का आ रहा बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके अलावा देखो और बताया, अनदर 44 कंट्रीज फेसेस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस वेयर ऑन एवरेज मोर देन 40% ऑफ अवेलेबल सप्लाई इज विड्रॉन एवरीडे। यहां पर क्या हो रहा है, अन्य 44 देशों में जितनी वाटर की उपलब्धता है उसका 40% क्या किया जा रहा है, विड्रॉ कर लिया जा रहा है। इन वालों में 17 कंट्रीज में तो 80% विड्रॉल हो रहा है अवेलेबल सप्लाई से, और यहां पर कितना हो रहा है, 40% हो रहा है, इसलिए ये भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक फाउंड दैट दिस रीजन हैज द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड वाटर स्कैर्सिटी। अब जलवायु से संबंधित या जलवायु परिवर्तन संबंधित जो वाटर की कमी होने वाली है उससे ये सबसे ज्यादा क्या होंगे, इलाके प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इज 13th अमंग 17 कंट्रीज विच फेसेस ह्यूज वाटर स्ट्रेस। भारत क्या 13वां स्थान है 17 में से, ठीक है, 17 में से 13वां कंट्री कौन है, भारत है, जो क्या कर रहा है, वाटर स्ट्रेस फील कर रहा है। इंडिया हैज मोर देन 3 times द पॉपुलेशन ऑफ द अदर 16 एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस कंट्री। इन 16 जो 16 एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस कंट्री है उनकी तुलना में भारत में क्या है, 3 गुना ज्यादा आबादी है। इंडिया हैज मोर देन 3 times द पॉपुलेशन ऑफ द अदर 16 एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस कंट्री, इनकी तुलना में 3 गुना ज्यादा हमारे यहां आबादी है। इट इंप्लाइज दैट मोर देन 3/4 ऑफ दीज पॉपुलेशन फेसिंग एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस लिव इन इंडिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये वाटर स्ट्रेस फील कर रही है पॉपुलेशन उसका 3/4 भारत में है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितना पॉपुलेशन 17 कंट्री में वाटर स्ट्रेस फील कर रही है उसका 3/4 भाग क्या रह रहा है भारत में, जो वाटर स्ट्रेस को फील कर रहा है। भारत की रैंक क्या है, 13वीं। इसके बाद इसने क्या बता दिया कि 16 में जितनी जनसंख्या रहती है उनका 3 गुना यहां रहती है, और क्या बताया कि जितने वाटर स्ट्रेस वहां के लोग फील कर रहे हैं उससे 3/4 लोग कहां है, इंडिया में, ठीक है। इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर सीवियरली ओवरड्रॉन, वो कह रहा है कि भारत में जो भूजल का दोहन है वो बहुत ज्यादा हुआ है, लार्जली टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और इसका सबसे ज्यादा यूज कहां हुआ है, इरिगेशन में, जो ट्यूबवेल वगैरह है कुएं वगैरह से क्या कर रहे हैं, पानी निकाला जा रहा है और उसके क्या हो रहा है, भूमिजल स्तर नीचे जा रहा है, और इसका सबसे ज्यादा यूज कहां किया उन्होंने, इरिगेशन में। ग्राउंड वाटर टेबल्स इन सम नॉर्दर्न एक्वीफर, मतलब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उत्तरी भारत में डिक्लाइन एट ए रेट ऑफ मोर देन 8 centimeters पर ईयर, 8 centimeters प्रति वर्ष की दर से नीचे गया है 1990 से 2014 के बीच में। तो यह भी बताया कि ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है उत्तर भारत में वो काफी खराब होती जा रही है। 1990 से 2014 के बीच 8 centimeters पर ईयर की दर से नीचे चला जा रहा है, तो पानी क्या कर रहा है, बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसका, उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना उसका रिचार्ज होता है उसकी तुलना में हम उसे यूज क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ओवरड्रॉन कर रहे हैं। तो ये सब उसमें फैक्ट था। इसके अलावा देखो
यही बताया कि स्टेप टेकन्स बाय इंडिया टू मिटिगेट वाटर स्ट्रेस इंक्लूडिंग क्या क्या स्टेप लिए है भारत ने। एक तो लिया कि सेटिंग अप द जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये भी एक काम किया गया है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्थापना कर दी गई है। अदर सॉल्यूशंस विच आर WRI सजेस्टेड इंक्लूड मोर एफिशिएंट इरिगेशन कि और अधिक क्या हो, एफिशिएंट इरिगेशन हो, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो, ड्रिप इरिगेशन हो, इस तरह के सिस्टम को लाएं। कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग लेक्स, क्या करें, झीलों को रिस्टोर करें, उनका संरक्षण करें, फ्लड प्लेन्स का संरक्षण करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें, ठीक है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ये सब उपाय भी बताए गए हैं। अब आओ क्या, ये तो सब कॉमन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। WRI के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इट्स ए ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच फोकसेस ऑन 7 एरियाज, किस किस पर, फूड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सिटीज, क्लाइमेट एंड ओशन, इन 7 क्षेत्रों पर फोकस करता है। इसके बाद देखो, इट्स मिशन इज टू मूव ह्यूमन सोसाइटी टू लिव इन ए वे दैट प्रोटेक्ट अर्थ एनवायरमेंट, कि मानव इस तरह से रहे कि क्या हो, अर्थ का पर्यावरण संरक्षित रहे। इट पार्टनर्स विद लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिकली हेल्ड कॉर्पोरेशंस एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ भाग लेता है, ठीक है। सॉरी, इसको लिखना था, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज ए ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1982 विद फंडिंग फ्रॉम द मैकआर्थर फाउंडेशन। मैकआर्थर फाउंडेशन की सहायता से 1982 में यह स्थापित हुआ था, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, करता क्या है, 7 एरिया पे फोकस रखता है, 1982 में स्थापित हुआ, और क्या है, मैकआर्थर फाउंडेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, बस इतना ही याद रखना है। याद रखना, ये वाटर स्ट्रेस पर जो रिपोर्ट दी है वो किसने दी है, WRI ने दी है। भारत का स्थान 13वां है, बताया कि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, भारत में जो 17 देश है उनकी लगभग 3/4 आबादी भारत में है जो वाटर स्ट्रेस का सामना कर रही है। इसके अलावा उसमें क्या बताया कि ज्यादातर जो 17 देश में है उनमें कौन है, मिडल ईस्ट के हैं और क्या है, नॉर्थ अफ्रीका के देश हैं, और हम जितना हमें सप्लाई की जा रही है वाटर की, उससे ज्यादा हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका 80% ये 17 देश यूज कर लेते हैं। तो यही सब इसमें बताया था वाटर स्ट्रेस में। अब आगे चलते हैं, देखो अब उड़ीसा की गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने पाराक्वेट हर्बिसाइड है इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया है, ठीक है। पैराक्वेट हर्बिसाइड है, एक पेस्टिसाइड का रूप है, हर्बिसाइड खरपतवार राशि है, इसको बैन कर दिया है, ठीक है। इससे पिछले 2 सालों में लगभग 170 लोग मर गए थे, तो इसने बैन कर दिया है। दूसरी बात इसको याद रखना कि इससे पहले केरला ही एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसने इसे बैन किया हुआ। तो सबसे पहला कौन सा है, उड़ीसा ने बैन किया अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले किसने बैन किया था, केरला ने। तो इससे क्या हो जाता है, देखो इससे किडनी, लीवर और लंग जैसी लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसे क्या कर दिया गया, बैन किया गया। देखो इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। According to the doctors, there is no antidote to this herbicide. कोई इसका इलाज नहीं है। The consumers of which complain ऑफ किडनी, लीवर एंड लंग प्रॉब्लम, इससे कौन कौन सी समस्या है, किडनी की, लीवर की, लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है। अब इट हैज बीन बैंड इन 32 कंट्रीज, 32 कंट्रीज में ये बैन है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड वेयर हर्बिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी सजनेटा इज बेस्ड, इस कंपनी ने इसे बनाया है, ठीक है। ये इसी जिस देश में बना रही है उसी देश में ये बैन है, लेकिन भारत ने अभी तक इसे बैन नहीं किया है पूरी तरह से, कुछ कुछ स्टेट्स हमें बैन कर रही है, ठीक है। पैराक्वेट ऑल्सो फिगर्स ऑन द लिस्ट ऑफ 99 पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड एक्टिविस्ट कविता कुरुगंती इज रिक्वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू बैन इन एन ऑनगोइंग केस। उन्होंने इतने के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि इनको बैन किया जाए, उनमें से एक ये भी है। सो फार इन इंडिया ओनली केरला हैज बैन द हर्बिसाइड, केरला ने इसे बैन किया था। पैराक्वेट इज येट टू बी लिस्टेड इन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ रोटरडम कन्वेंशन इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल साइंड इन 1998। अभी इसे PIC में शामिल करना है, रोटरडम में भी शामिल नहीं किया गया है। तो
कई बार पूछ लेते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, पैराक्वेट है क्या, है हर्बिसाइड है क्या, है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, रेड स्नो इन अंटार्कटिक में हुई थी। देखो अंटार्कटिक में रेड स्नो काफी दिनों की चर्चा में रही थी, तो उसको देख लेते हैं वो क्या है। वो एक एल्गी की वजह से है, बस इसको ही ध्यान में रखना है। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स फोटोग्राफ्स ऑफ रेड स्नो ऑफ द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका नॉर्दर्न मोस्ट पेनिनसुला हैव गॉन वायरल। वहां पर वायरल हुई थी पिक्स की, ये लाल करके स्नो है वहां पर। रेड स्नो और वाटरमेलन इज ए फेनोमेना दैट हैज बीन नोन सिंस एनिशियल टाइम, नाउ इट रेज कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखो ये होता किसके लिए, क्लाइमेडोमोनास निवेलिस के कारण। ये एक एल्गी है क्लाइमेडोमोनास निवेलिस, इसका क्या होता है, रंग लाल होता है। जब ये क्लम्स में इकट्ठा हो जाता है गुच्छों में, तो ये बिल्कुल क्या करता है, ब्लड की तरह दिखाई देने लग जाता है, रेड की तरह। तो इसी के लिए अगर इसे क्या कह दिया गया, रेड स्नो कह दिया गया। लेकिन हो क्या रहा है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में इसका रोल देखा जा रहा है। अब होगा क्या, देखो ये मान लो आइस है, अगर इस पर ये रेड कलर का ऐसे ऐसे आ गया, ये व्हाइट कलर की है, ये सारी कैसी है व्हाइट, अगर इस पर ये रेड आ गया तो इसका एल्बिडो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात ये सूर्य की जो विकिरण आके इससे से टकरा के जा रही थी, अब ये नहीं जाएगी, अब इसको अवशोषित कर लेगा, अर्थात ये जो आइस थी इसके ऊपर ये जो जमा, ये रेड कलर दिख रहा है, तो इसका रंग डार्कर हो गया, गहरा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो ये क्या करेगा, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएगा और इसको क्या करेगा, पिघलाएगा। तो क्लाइमेट चेंज में ये योगदान देगा, इसीलिए चिंता का विषय भी था कि ये अगर ये बढ़ता जाता है तो ये क्या करेगा, अर्थ का एल्बिडो कम करेगा, क्योंकि सरफेस डार्क हो जाएगी, डार्क होते ही इसका अवशोषण बढ़ गया, एल्बिडो कम हो गया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां की आइस पिघल जाएगी, बाकी सब तो एक चेन है जो शुरू हो जाएगी फिर। तो इसके संदर्भ में भी ये चिंता का विषय था, इसीलिए इसको न्यूज में बना रहा। तो इस निवेलिस के कारण होता है, एग्जिस्ट इन स्लो इन स्नो इन द पोलर एंड ग्लेशियर रीजन। कहां वायदा होता है, स्नो पर होता है, पोलर और ग्लेशियर रीजन में। एंड कैरीज ए रेड पिगमेंट टू कीप इट सेल्फ वार्म, और रेड पिगमेंट रखता है अपने को वार्म रखने के लिए, क्योंकि अगर रेड पिगमेंट होगा तो सूर्य की विकिरणों को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। इट इज द एल्गी दैट गिव्स द स्नो इट्स रेड टिंज, उसको रेड कलर कौन देता है, ये एल्गी देता है। इट कॉजेज द सराउंडिंग आइस टू मेल्ट फास्टर, इसकी वजह से जो चारों तरफ की आइस है वो मेल्ट हो जाती है जल्दी। द मोर द एल्गी पैक टूगेदर द रेडर द स्नो, जितने ज्यादा एल्गी पास पास होंगे उतनी वो लाल दिखाई देगी। एंड द डार्कर द टिंज, वो डार्कर दिखाई देगा स्पॉट। द मोर द हीट अब्सॉर्ब बाय द स्नो, और ज्यादा से ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेगी वो बर्फ। सब्सिक्वेंटली द आइस मेल्ट फास्टर, और आइस क्या होगी, जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। वाइल द मेल्ट इज गुड फॉर द माइक्रोब्स दैट नीड द लिक्विड वाटर, उन माइक्रोब्स के लिए तो अच्छा है जिनको लिक्विड वाटर चाहिए टू सर्वाइव एंड थ्राइव। इट्स बैड फॉर ग्लेशियर दैट आर ऑलरेडी मेल्टिंग फ्रॉम ए मैरिड ऑफ अदर कॉजेज द स्टडी सेड, जो ग्लेशियर पहले से पिघल रहे हैं उनके लिए क्या है, बुरी खबर है। दीज एल्गीज चेंजेस द स्नोज एल्बिडो विच रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट और रेडिएशन द स्नो सर्फेस इज एबल टू रिफ्लेक्ट बैक। ये एल्बिडो को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज इन एल्बिडो लीड टू मोर मेल्टिंग, जिसके कारण क्या होगी, और मेल्टिंग होगी। ठीक है, इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द आर्कटिक द की ड्राइवर्स हैव बीन स्नो एंड द आइस एल्बिडो अकॉर्डिंग टू 2016 स्टडी इन द जर्नल नेचर। एल्बिडो ही क्या है, की ड्राइवर होता है इन क्षेत्रों में बर्फ को पिघलाने वाला। बस वही जो मैंने आपको समझाया कि ये एल्बिडो को चेंज कर देगा और मेल्टिंग को बढ़ा देगा, बस इतना ही देखना। और किसकी वजह से होता है, निवेलिस की वजह से, एल्गी की। अब आता है डूम्सडे वॉलेट क्या है। देखो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजों को संरक्षित किया गया है, एक तरह का सीड बैंक है। देखो ये क्या है, स्वालबोर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, रेफर टू एज द अर्थ डूम्सडे वॉल्ट। अगर अर्थ पर कोई भी घटना होती है तो यहां पर बीज सुरक्षित रह जाएंगे, इसीलिए इस वॉलेट को नाम दिया गया डूम्सडे वॉलेट। ठीक है, द वॉलेट इन द आइलैंड ऑफ स्पिट्सबर्गन, ठीक है, आइलैंड स्पिट्सबर्गन में है, मिडवे बिटवीन नॉर्वे एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में ठंडे क्षेत्र में। ओपन इन 2008 एंड प्रिजर्व सीड्स फॉर सेवरल
फूड वेराइटीज, बहुत सारी फूड वेराइटीज के सीड यहाँ पर क्या है, कंजर्व है। द एम ऑफ द वैलेट इज टू प्रिजर्व ए वास्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप सीड्स, बहुत सारे क्रॉप सीड को संरक्षित रखना। इन द केस ऑफ ए डूम्स डे इवेंट, अगर कोई बुरी घटना होती है जैसे कैलामिटी, क्लाइमेट चेंज और नेशनल इमरजेंसी, कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो यहां भी सुरक्षित रह जाएंगे। द लो टेम्परेचर एंड लिमिटेड, देखो द वॉलेट इज आर्टिफिशियली कोल्ड, ये क्या हुआ, आर्टिफिशियली ठंडा रखा गया एट टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस, -18 पर। द लो टेम्परेचर एंड लिमिटेड एक्सेस टू ऑक्सीजन विल इंश्योर लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड डिले सीड्स एजिंग। टेम्परेचर बहुत कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो ये क्या होंगे, ए सीड की एजिंग को कम कर देता है। द परमाफ्रॉस्ट सराउंडिंग द फैसिलिटी विल हेल्प मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ दिस सीड इफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल, अगर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल भी हो जाती है तो ये ठंडे क्षेत्र में है तो इसका टेम्परेचर कम ही बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये सब के बारे में था, थोड़ा सा देख लिया हमने। इसके आगे चलो, कार्ल ट्रेपेजियम जोन, देखो रिसेंटली एससी लिफ्टेड इट्स अर्लियर इंटरिम ऑर्डर इंपोजिंग ए कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कटिंग ऑफ ट्री इन द टीटीजेड। देखो पहले क्या किया था, एससी ने बैन लगाया था इन सब गतिविधियों पर, अब इस पर हटा दिया गया टीटीजेड से। अब टीटीजेड है क्या, ताज ट्रेपेजियम जोन वॉज एस्टेब्लिश 1996 थ्रू एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थापित किया था 1996 में। इट इज नो इट इज सो नेम्ड सिंस इट इज लोकेटेड अराउंड द ताजमहल एंड इज शेप लाइक ए ट्रेपेजॉइड की तरह है। ये ट्रेपेजॉइड कैसा होता है, इस तरह से होता है, तो ये इस शेप का है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड, इसी वजह से इसे नाम दिया है। ये 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है एरिया टू प्रोटेक्ट ताजमहल फ्रॉम पोल्यूशन, इसे पोल्यूशन से बचाने के लिए। इट स्प्रेड्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा इन उत्तर प्रदेश एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। इट कंप्राइज ओवर 40 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अलोंग विद द 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट सच एज द ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। इसमें 40 ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आते हैं इस क्षेत्र में, और तीन तो क्या हेरिटेज साइट्स में आते हैं। एससी ने इट्स ऑर्डर डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर किया ऑर्डर में, इट हैज इट एज एन इको सेंसिटिव एरिया, इसे इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया है एंड बैन द यूज ऑफ कोल एंड कोक इन इंडस्ट्रियल लोकेटेड इन दिस जोन विद ए मैंडेट ऑफ स्विचिंग ओवर टू नेचुरल गैस। लेकिन हालांकि उसने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करके यहां पर क्या कर दिया, कोल के यूज को बैन कर दिया और कहा है कि आप नेचुरल गैस पर मूव कर जाओ। तो ये आपका ताज ट्रेपेजियम जोन था। अब नीलगिरी तहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसका नाम साइंटिफिक नाम नहीं पूछेगा, इसकी पॉपुलेशन 2500 के करीब है, IUCN में ये इंडेंजर्ड है, WPO में लिस्ट 1 में है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए कि इसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली है मुखर्थी नेशनल पार्क में, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो साल से ये लगातार चर्चा में है, तो क्या पता यहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले इसी पर। तो नीलगिरी ताहर क्या है, एक तरह का क्या है, गोट है, बकरी है एक तरह की, बस इतना याद रखना है, ये क्या है, गोट है, ये सब नहीं याद रखना है। नीलगिरी ताहर और स्टॉकलिक गोट्स है ये, ठीक है। और ये रहती कहां है ये ध्यान रखना है, द नीलगिरी ताहर इनहेबिट्स द ओपन माउंटेन ग्रासलैंड, जो पहाड़ों पर जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें ये निवास करता है एट एलिवेशन फ्रॉम 1200 से लेकर 2600 मीटर और जनरली अबव क्या रहता है 2000 मीटर से ऊपर रहता है। ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट का जो तमिलनाडु और केरला का पार्ट है, साउथ वेस्टर्न घाट वहां ये रहता है। तो याद रखना है, एक तो ये इंडेंजर्ड है, दूसरा ये रहता कहां है, साउथ वेस्टर्न घाट में रहता है तमिलनाडु और केरला में, और तीसरी बात ये क्या है, किस ऊंचाई पर रहता है, 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर रहता है और कहां रहता है, ओपन माउंटेन ग्रासलैंड्स में रहता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रासलैंड है, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो इराविकुलम है वहां पर सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। द अदर सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन इज इन द नीलगिरी हिल्स, देखो नीचे वाले पार्ट में आ गया, नीलगिरी हिल्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन इन द अनामलाई हिल्स, कुछ अनामलाई हिल्स में भी है, पेरियार नेशनल पार्क, पालनी हिल्स एंड अदर पॉकेट्स इन वेस्टर्न घाट साउथ ऑफ इराविकुलम ऑलमोस्ट टू इंडिया साउदर्न टिप, अर्थात ये इससे साउथ साउथ में रहता है, वेस्टर्न घाट के साउथ वेस्टर्न पार्ट में रहता है ये, ठीक है। अब आगे देखो, ये तमिलनाडु का क्या है, स्टेट एनिमल है, इट्स एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल एंड द साउदर्न
पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, नीलगिरी और उसके नीचे का जो भाग है वहीं मिलता है ये, तो यहाँ के लिए ये एंडेमिक है। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु और फिर केरला में मिलता है, ठीक है, तमिलनाडु और केरला में। अब आगे देखो, नीलगिरी तार पॉपुलेशन है इंक्रीज फ्रॉम 568 इन 2018 टू 618 इन 2019 में 568 से 612 हो गए, किसमें, मुखुर्ती नेशनल पार्क में। तो इसीलिए चर्चा में रहा, मुखुर्ती नेशनल पार्क में ये क्या है, इसकी संख्या 568 से बढ़कर 612 हो गई है। और दूसरी बात, द रिसेंट इंक्रीज हैज फेवर्ड ए हेल्दी सेक्स रेशियो, मतलब फीमेल के पक्ष में रेशियो चला गया सेक्स रेशियो, ये भी इसकी एक विशेषता है इस पॉपुलेशन बढ़ने की। देयर हैज बिन ऑलमोस्ट 27% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द तार इन नीलगिरीज ओवर द लास्ट थ्री ईयर, इस पूरे इलाके में नीलगिरी के क्षेत्र में पिछले 3 सालों में 27% पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। तो ये लगातार 3 साल से चर्चा में चल रहा है। इसके बाद देखो, हुआ किस वजह से, कीपिंग द नेशनल पार्क क्लोज, उसको बंद रखा गया टू टूरिस्ट के लिए एंड फ्री फ्रॉम पोचिंग, और अवैध शिकार को भी रोका गया। इसके अलावा फाइटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव फ्लोरा, वहां पर इन्वेजिव जो वनस्पति है उसके प्रसार को भी रोका गया। हो क्या रहा था कि इसका प्रसार होने की वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा था, तो अब इन्वेजिव स्पीसीज का मास लेवल पर इरेडिकेशन किया गया, उसे हटाया गया, तो ये क्या हो रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो है कौन सा, देखो, इन द वेस्टर्न घाट वेयर वास्ट प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस एंड वेटल, ये दो प्रजातियां हैं जो इनके आवास को खराब कर रही थी, कौन से, यूकेलिप्टस एंड वेटल, वर रेज्ड इन द पास्ट बाय कन्वर्टिंग ग्रासलैंड एंड शोला फॉरेस्ट, द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ नीलगिरी तार हैज बीन डिवेस्टेटेड, इन दोनों की वजह से जो इसका ओरिजिनल हैबिटेट था शोलाज और ग्रासलैंड, इसका जो हैबिटेट था वो ये ग्रासलैंड है और शोलाज वन है, तो इनमें ये जब रहता है तो उनका ये जो हैबिटेट है वो लगातार क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, जिस वजह से पॉपुलेशन कम हो रही थी। अब इस इन्वेजिव स्पीसीज को इन क्षेत्रों से हटाया जा रहा है तो इनकी पॉपुलेशन वापस बढ़ने लगी। याद रखना ये कहां एंडेमिक है, साउथ वेस्टर्न घाट में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, यहीं से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ गया था। देखो ये नेशनल पार्क है, देखो यहां पर नागरहोल है, इसके बाद देखो ये बांदीपुर है, वायनाड है, ये मुद्दुमलाई है, ये सत्यमंगलम है, उससे पिछले साल भी देखो यहीं से क्वेश्चन है, उसने पूछा था ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कौन से नेशनल पार्क में आकर मिलते हैं, तो ये था सत्यमंगलम। देखो ये तो वेस्टर्न घाट है यहां से यूं, और ये कौन सा है, ईस्टर्न घाट का पार्ट, देखो सॉरी, देखो ये वेस्टर्न घाट है सारा का सारा, और ये देखो ये ईस्टर्न घाट है, तो ये यहां ये सत्यमंगलम इन दोनों को आपस में मिला रहा था, तो ये क्वेश्चन उससे पिछले साल पूछा था, ये क्वेश्चन इस साल पूछ लिया ये अगले वाले से। देखो ये नागरहोल है, ये बांदीपुर है, ये वनाद है, ये मुद्दुमलाई है। इसके आगे देखो, ये देखो ये सारा का सारा अपन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, लास्ट ईयर भी ये चर्चा में था बांदीपुर नेशनल पार्क, क्योंकि इससे एक हाईवे जाने वाला था, एलिवेटेड रोड बननी थी, तो उसने आसपास का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो इसमें साइलेंट वैली, मुखुर्ती, ठीक है, मुद्दुमलाई, वायनाद, बांदीपुर, नागरहोल, ये सारे के सारे किसका पार्ट थे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, और उसने इनसे एक अलग पूछ के पूछा था अगस्त्यमलाई में कौन से हैं, अगर इनको एलिमिनेट कर दिया जाता तो सीधा सीधा अगस्त्यमलाई निकल आता, इतना ही करना था, और ये करवाया था मैंने क्लास में, ये डायग्राम बनवाया था मैंने। तो देखो ये नागरहोल हो गया, ये बांदीपुर हो गया, ये वायनाड हो गया, ये मुद्दुमलाई हो गया, ये आपका मुखुर्ती हो गया, और ये साइलेंट वैली हो गया, तो ये पांचों नेशनल पार्क यही हो गए, और यहां पर हमने भी पढ़ा था कौन सा, सत्यमंगलम, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, नेशनल पार्क हैं, ठीक है, इनको एक साथ देख लेना, आपको अपने नोटबुक पे बना लेना इन्हें। अब देखो ये विवाद क्या चल रहा है, देखो यहां पर एक नेशनल हाईवे है 766, इसको लेकर ये चर्चा में था लास्ट ईयर भी, चर्चा ये थी कि ये मैसूर से कोझिकोड जाने का रास्ता है, मैसूर से कोझिकोड, मैसूर से कोझिकोड जाता है 766, अब ये किससे होके जाता है, ये बांदीपुर से जाता है और वायनाड दोनों से होके जाता है, और यहां पर क्या कर दिया जाता है, ट्रैफिक को बैन कर दिया जाता है, यहां पर रात को 9 से लेकर सुबह 6 तक ट्रैफिक बैन रहता है, आप इनमें से नहीं जा सकते हो,
टाइगर रिजर्व है, इनमें से आप नहीं गुजर सकते हो। तो 9 से लेकर सुबह 6 तक बंद रहता है, ठीक है। 2010 से क्या ये बंद है। अब प्लान ये लाया गया कि यहां पर कुछ एलिवेटेड रोड बना दिए जाए जो इसके कोर एरिया है, ताकि क्या हो जा सके इससे कि ऊपर ऊपर से चले जाएंगे। तो एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसका क्या किया गया, विरोध हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये चर्चा में था। तो ये जाता कहां से है, मैसूर से जाता है कोझिकोड तक, बांदीपुर से और वायनाड से होकर जाता है, ठीक है। तो यही चर्चा में बना हुआ था, इसीलिए लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन भी था। ये देखो NH 766, ये जो इतना एरिया है ये क्या जाता है, ये यहां पर नाइट ट्रैफिक भी क्या हो जाता है, बंद कर जाता है। देखो 35 किलोमीटर पासिस थ्रू बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, वायनाड नेशनल पार्क, ये जो इतना एरिया है इसके कोर एरिया से जाता है बिल्कुल, ठीक है। द रोड स्ट्रेच इन द कोर जोन ऑफ द सेंचुरी इज 24.50 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर इनके कोर क्षेत्र से जाता है। एंड द बफर जोन इन 10.10, और बफर जोन में 10 किलोमीटर जाता है। तो कोर जोन में से जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया, रात को ट्रैफिक बंद रखते हैं। तो इसी को लेकर विवाद चल रहा था। तो याद रखना ये हाईवे है 766 है, किससे जा रहा है, बांदीपुर से और इस वायनाड से जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, पेंगोलिंस पे भी कर लेते हैं। पेंगोलिंस क्या है, एक छोटा सा जीव होता है जो अपने ऊपर चारों तरफ उसके क्या होते हैं, कवच होता है। अगर कोई शिकारी उसका शिकार करने आता है तो उसके अंदर घुस के छिप जाता है, ऊपर कांटे से होते हैं उसके। तो इस पेंगोलिन का क्या हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड हो रहा है, इसको क्या करते हैं, मार दिया जाता है और फिर बेचा जाता है, ठीक है। चाइना वगैरह में इसका बहुत ज्यादा, साउथ ईस्ट कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में इसको बहुत डिमांड रहती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी 8 स्पीसीज है पेंगोलिन की, और भारत में इसकी सिर्फ 2 ही रहती है। एक तो है कौन सी, इंडियन पेंगोलिन, और दूसरा है चाइनीज पेंगोलिन। 8 प्रजातियों में से 2 इंडिया में रहती हैं, तो चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। तो इंडियन पेंगोलिन की बात करते हैं सबसे पहले, ये इंडेंजर्ड है और WPA की लिस्ट में 1 में आता है। दूसरी बात इधर देखते हैं, मेजर थ्रेट्स टू पेंगोलिन इंडिया आर हंटिंग एंड पोचिंग फॉर लोकल कंजप्टिव यूज, जैसे प्रोटीन सोर्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इसका क्या हो रहा है, अवैध शिकार। एंड इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इट्स मीट एंड स्केल इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसके स्केल के लिए, कवच के लिए, स्केल्स के लिए और मीट के लिए, कंट्रीज पर्टिकुलरली चाइना एंड वियतनाम, चाइना और वियतनाम में विशेषकर, ठीक है। द स्पीसीज अंडरस्टूड टू अकर इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज वेल एज ओपन लैंड, हर सब जगह ही मिलता है, फॉरेस्ट में भी मिलता है, ओपन लैंड में मिलता है, ग्रास लैंड में मिलता है, डिग्रेडेड हैबिटेट्स में मिलता है, विलेजेस के पास भी मिल जाता है, ठीक है। द स्पीसीज कैन अडेप्ट वेल टू मॉडिफाई हैबिटेट, जल्दी अडेप्ट कर लेता है, प्रोवाइडेड इट्स एंट एंड टर्माइट प्रे रिमेन्स अबंडेंट, इस चींटियों को खाता है, चींटियों और दीमक को, अगर ये वो उपलब्ध है तो कहीं भी रह लेता है। इंडियाज पेंगोलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट, बस इन क्षेत्रों में नहीं मिलता, किस किस में, नॉर्थ ईस्ट में, उच्च हिमालयों में और एरिड रीजन में, एरिड में, उच्च हिमालय में और नॉर्थ ईस्ट में ये देखने को नहीं मिलता। इट कैन बी फाउंड एट एलिवेशन अप टू 2500 मीटर तक ये मिल जाता है। द स्पीसीज ऑल्सो ऑक्यूर इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इन क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। इंडियन पेंगोलिन इज ए लार्ज एंट ईटर, चींटियों को खाता है, कवर्ड डोर्सली बाय 11 to 30 रो ऑफ स्केल्स, वो जो इसके ऊपर जो कांटे से होते हैं उनपे 11 से 13 रहता है। द अडल्ट मेल इज अबाउट 1/3 लार्जर देन द फीमेल, इट्स स्टिक्टी टंग विच इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर रीचिंग द लैपिंग द इंसेक्ट इन डीप सर्वाइसेस, ये करता है क्या, देखो इसकी जो जीभ होती है वो इसके शरीर से भी लंबी होती है, तो उनसे लपेट के क्या करता है, जीवों को पकड़ने का काम करता है, चिपकने वाली होती है तो चिपक जाते हैं जीव उस पर, ये सब है इसमें। अब आता है चाइनीज पेंगोलिन। चाइनीज पेंगोलिन देखो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इंडियन पेंगोलिन क्या था, देखो इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड था, और ये क्या है, इससे एक स्टेप आगे क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है, WPA की लिस्ट 1 में आता है। दे सर्टनली आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिकेड मैमल्स इन एशिया, ये ऐसे मैमल्स है जिनका सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है एशिया में, और वर्ल्ड में भी इनका स्थान बहुत ऊपर है, तो सबसे ज्यादा इनका क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है, इनको ट्रैफिक किया जाता है चोरी छिपे, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली अफ्रीका, और अफ्रीका में भी इसका ट्रेड क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है,
आगे देखो, द चाइनीज पेंगोलिन इज फाउंड इन द हिमालयन फुटहिल इन ईस्टर्न नेपाल, उत्तरी भारत में है, हिमालयन फुटहिल ईस्टर्न नेपाल भूटान नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश थ्रू साउदर्न चाइना, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में सारे में मिलेगा। इट इज अडेप्टेड टू ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, लाइमस्टोन एंड बैम्बू फॉरेस्ट ग्रासलैंड एग्रीकल्चर फील्ड सब जगह मिल जाएगा। वंस नॉन टू बी फाउंड इन लार्ज नंबर इट्स पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्लाइन, बहुत तेजी से कम हो रही है इन इट्स रेंज ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड रैम्पेंट पोचिंग फॉर इट्स स्किन स्केल्स एंड मीट, इसके कवच के लिए इसकी स्किन के लिए इसके मीट के लिए इसके लगातार शिकार हो रहा है और बड़ी मात्रा में इसको ट्रैफिकेट किया जा रहा है। पेंगोलिन आर द ओनली मैमल्स ओनली कवर्ड इन स्केल्स, आवरण के द्वारा ढकने वाले क्या है एकमात्र मैमल्स है, दे यूज दो स्केल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व, ये जो आवरण है उसको क्या करते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम प्रीडेटर इन द वाइल्ड। इफ अंडर थ्रेट ए पेंगोलिन विल इमीडिएटली कर्ल इन टू ए टाइट बॉल, वो अंदर घुस जाता है उस खोल के, विल यूज दियर शार्प स्केल टेल्स टू डिफेंड देमसेल्व, और इसकी तीखी जो पूंछ है उससे बचने की कोशिश करता है। ए पेंगोलिन टंग इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी, उसके शरीर से भी लंबी उसकी जुबान होती है, जीभ होती है, खींच लेता है। दे हैव नो टीथ एंड च्यू विद ग्रेवल एंड क्रेटिनियस स्पाइंस, वो क्या करते हैं इसके अंदर दांत नहीं होते हैं तो अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसी से चबाता है, ठीक है। ऑफ द एट स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन वर्ल्ड वाइड टू आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में दो ही स्पीसीज इसकी मिलती हैं। अब हैंगुल और कश्मीरी स्टैग भी चर्चा में रहा है, देखो IUCN की लिस्ट क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, WPA लिस्ट 1 है, 100 से 150 बचे हुए हैं। द कश्मीरी स्टैग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसका क्या है स्टेट एनिमल है, इज द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया, भारत में रेड डियर की सिर्फ ओनली एक ही सर्वाइविंग स्पीसीज है, वो कौन सी है कश्मीरी स्टैग, याद रखना रेड डियर की भारत में सर्वाइविंग स्पीसीज है, दुनिया में नहीं भारत में, ठीक है। देखो ये लिखा है इज द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया, भारत में जो है, ठीक है। इसके अलावा देखो हंगुल इज लिमिटेड टू द दचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दचीगाम कहां पर है जम्मू कश्मीर में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर श्रीनगर, बट ए स्मॉल पॉपुलेशन हैज ऑल्सो बीन विटनेस इन ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन साउथ कश्मीर, यहां पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाता है। दचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखो, दचीगाम इसका मतलब है 10 गांव, 10 गांव, नेशनल पार्क इज लोकेटेड अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से 22 किलोमीटर दूर है। फोन ऑफ द मेन एनिमल स्पीसीज दैट दचीगाम इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स हंगुल और द कश्मीरी स्टैग के लिए, बस इतना याद रखना है। द हंगुल पॉपुलेशन मॉनिटर एक्सरसाइज हैज रिवील्ड एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन द फोन हिंद एंड स्टे हिंद रेशियो ऑफ द हंगुल पॉपुलेशन इन कश्मीर, मतलब इनका जो सेक्स रेशियो है वो बदल रहा है। एक्सरसाइज वाई कंडक्टेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर इन कोलेबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI और वहां के डिपार्टमेंट के द्वारा। फोन इज ए यंग डियर इन इट्स फर्स्ट ईयर एंड हिंद इज ए फीमेल डियर ओवर 3 years ओल्ड एंड हर काउंटर पार्ट द मैच्योर मेल इज कॉल्ड ए स्टैग, तो इनमें क्या रेशो में कमी आ रही है। द मेल फीमेल एंड फोन फीमेल रेशो इज क्रूशियल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ डियर पॉपुलेशन, ये आप देख लेना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इस बार चर्चा में रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनपे क्या रहना अवेयर रहना, थोड़ा देख लेना इसे, ठीक है। अब देखो 3 स्पीसीज है क्रोकोडाइल्स की भारत में जो मिल रही है, और उड़ीसा एक एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें तीनों मिलती है, वो तीन कौन सी है देखो, घड़ियाल, दूसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और तीसरा है मगर क्रोकोडाइल। अब घड़ियाल की बात करें, ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी है, नाम क्या है ज्यूवेलिस गैंगेटिकस, ठीक है। IUCN की लिस्ट में क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, WPO में लिस्ट 1 में है, रहते कहां, दे लिव इन डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर, गहरी और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली घड़ियाल इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल में ही मिलता है। भारत में देखो कहां मिलता है, ये गंगा रिवर सिस्टम में मिलता है, गिरवा में, सोन नदी में, रामगंगा में, गंडक में, चंबल में, महानदी में, इन सब जगहों पर मिलता है। महानदी में मिलेगा, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, गिरवा, सोन, उसके अलावा कौन सी है, गंडक, चंबल में भी ये मिलता है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। लेकिन इसकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन है जो,
मिलता तो इन जगहों पर है, लेकिन जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो दो ही जगह मिल रही है, एक तो गिरवा रिवर में, द गिरवा रिवर ओरिजिनेटेड इन नेपाल एंड रन थ्रू कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो गिरवा रिवर में मिलती है और दूसरी चंबल रिवर में मिलती है। इसकी जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो सिर्फ दो जगह, एक तो गिरवा में और दूसरी चंबल में। चंबल सपोर्ट्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इन द वाइल्ड, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो चंबल में सबसे ज्यादा घड़ियाल हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ये तीनों के जंक्शन पर है, राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश के। आगे देखो, 1976 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू किया गया था, इनिशिएटेड विद सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एफएओ के द्वारा, ठीक है। द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड एन इंटेंसिव कैप्टिव रेयरिंग एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम इंटेंडेड टू रीस्टॉक डिप्लेटेड घड़ियाल हैबिटेट, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग यहां पर शुरू की थी, नियंत्रित स्थितियों में उनकी ब्रीडिंग, तो उसके लिए शुरू किया गया था। अब देखो, ओडिशा हैज रिन्यूड इट्स एफोर्ट टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल, घड़ियाल की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ओडिशा ने प्रयास शुरू किए हैं इन दियर नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक पर्यावरण में, बाय रिलीजिंग 5 reptiles, 5 जिनको छोड़ा गया है, फिटेड विद रेडियो ट्रांसमीटर्स, उनके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर फिट करके, इनटू द सतकोशीय गोर्ज ऑफ महानदी, महानदी के सतकोशीय गोर्ज में छोड़ा गया है। द साउदर्न मोस्ट लिमिट ऑफ घड़ियाल होम रेंज इन इंडिया, ये घड़ियाल की साउदर्न लिमिट है, इससे नीचे घड़ियाल नहीं मिलता, महानदी से ऊपर ऊपर ही मिलेगा। तो ये था आपका घड़ियाल, इसलिए चर्चा में कि उड़ीसा ने इसके लिए कुछ प्रयास शुरू किए हैं। अब देखो वल्चर, वल्चर की बहुत सारी स्पीसीज है, देखो 4, 3, 7, 9 स्पीसीज है, इनमें जो भारत में जो खतरे में है वो कौन सी है, देखो जिप्स के वंशज है, जिनके आगे जिप्स लगा है, जिप्स जिप्स जिप्स, ये चारों के तीनों इंडिया में है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जिस जिसके आगे जिप्स लगा है वो इंडिया में है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये सब भारत में है। देखो द पॉपुलेशन ऑफ 3 species, व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर इन द वाइल्ड हैज डिक्लाइन ड्रेस्टिकली ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 वर्षों में या पिछले दशकों में बहुत कम हुए हैं ये तीनों जिप्स वंशज। द डिक्लाइन ऑफ जिप्स जीनस इज इंडिया इन इंडिया हैज बिन पुट एट 97% बाई 2005 तक 97% कम हो चुके थे। रीजन क्या था, डाइक्लोफेनक, ये क्या है, ड्यू टू डाइक्लोफेनक, ये एक दवाई है जो जानवरों को दी जाती है उन दर्द निवारक के रूप में और सूजन को कम करने के लिए, तो डाइक्लोफेनक ने क्या किया, इसकी वजह से ये दी जानवरों को खाया गिद्ध ने, तो गिद्धों में पहुंच गई, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से इनको किडनी फेलियर जैसे दिक्कतें आने लगी और इनकी डेथ होने लग गई। तो याद रखना, ड्यू टू डाइक्लोफेनक इनकी डेथ हुई थी, किल्ड बाय किडनी फेलियर फीडिंग ऑन द कैराकस ऑफ एनिमल ट्रीटेड विद द नॉर्मल वेटनरी डोजेज, जिन जानवरों को इससे ट्रीट किया गया था उनको खाने से इनमें पहुंचा, इनमें सांद्रता वृद्धि हुई, बायो मैग्निफिकेशन हुआ और इनकी डेथ होगी किडनी फेलियर से। इसका सब्स्टिट्यूट जो लाया हुआ है मेलोक्सिकैम, अब डाइक्लोफेन को बंद कर दिया गया था 2008 में, इसका सब्स्टिट्यूट क्या लाया है, मेलोक्सिकैम को लाया गया, तो याद रखना इसकी वजह से डेथ हुई, इसका सब्स्टिट्यूट ये है, ठीक है। दवाई मैंने आपको बताई दी है कि इन्फ्लेमेटरी है, उसको दूर करती है, दर्द निवारक है, 2008 में इसको बैन कर दिया गया। वल्चर केयर सेंटर के बारे में सुन लो, टू स्टडी द कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ वल्चर, वल्चर की डेथ की को जानने के लिए ए वल्चर केयर सेंटर वो सेटअप इन पिंजौर हरियाणा, पिंजौर हरियाणा में सेटअप किया गया था। एट प्रेजेंट देर आर 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, 9 ऐसे सेंटर है इंडिया में, ऑफ विच 3 आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के द्वारा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द VCBC वॉज नॉट ओनली लुक आफ्टर द वल्चर्स, उनका ध्यान रखना ही नहीं है इनका उद्देश्य, एंड ब्रीड देम इन कैप्टिविटी, मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में उनका प्रजनन कराना और उनका देखभाल करना ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो टू रिलीज देम इन टू द वाइल्ड, इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रजनन करवा के इन्हें वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है, ये इसका उद्देश्य है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द VCBC वॉज टू प्रोड्यूस ए फ्यू 100 pairs ऑफ ईच ऑफ 3 species ऑफ द इंडेंजर्ड वल्चर, उसका उद्देश्य है कि इनके कुछ pairs बनाए जाए 100s और फिर इनको छोड़ दिया जाए। तो ये आपका था वल्चर। इसके अलावा आपको देखो ये सब भी देखना, ऑलिव रिडले टर्टल, ये मैंने सब क्लास में करवाया हुआ है, तो ये आप वहां से देख लेना ऑलिव रिडले टर्टल। इसके अलावा
राइनो पे भी मैंने क्लास में कराया, तो आप राइनो को भी देख लेना कि राइनो क्या क्या है, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। एशियन राइनो कहाँ कहाँ मिलता है, जावन, सुमात्रन, ये सब मैंने क्लास में करवाया है, तो आप इनको भी देख लेना। इंडिया राइनो वीजा में जरूर बता देता हूँ 2020 क्या है। देखो इंडिया राइनो विजन 2020 क्या है, 2005 में लॉन्च हुआ था। द विजन ऑफ द प्रोग्राम इज टू इंक्रीज द टोटल राइनो पॉपुलेशन इन असम टू अबाउट 3000 बाय द 2020 तक इनकी पॉपुलेशन को 3000 करना असम में, ठीक है। एंड जस्ट एज सिग्निफिकेंटली इंश्योर दैट दीज राइनोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटलीस्ट 7 प्रोटेक्टेड एरिया, और ये भी सुनिश्चित करना कि ये क्या हो, 7 प्रोटेक्टेड एरिया में वितरित हो। हम पॉपुलेशन को डबल करेंगे, कहां तक लाएंगे, 3000, और ये किसी एक में ना हो, सभी 7 प्रोटेक्टेड एरिया में वितरित हो। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द असम्स मेटा पॉपुलेशन ऑफ द, इस मेटा पॉपुलेशन की क्या हो, जीवन काल बढ़ जाए, उसके लिए क्या करना है, इसे 7 में से स्थापित करना है। 7 प्रोटेक्टेड एरियाज आर काजीरंगा, पोबितारो, ओरांग, मनास, लखोवा, बुराजपोरी, और उसका कौन सा, डिब्रू सिखोवा, ये 7 है जब इनमें करना है, ठीक है। इसको किन किन ने शुरू किया था, देखो एक तो था इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, दूसरा था असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीसरा था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, चौथा था वर्ल्ड वाइड फंड, और पांचवा था यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, इनने मिलकर इसको शुरू किया था, ठीक है। ये सब था आपका इंडिया राइनो विजन, अर्थात राइनो की जो पॉपुलेशन है उसे डबल करना है 3000, और 7 प्रोटेक्टेड एरिया में करना है, ठीक है। तो यही बताया था। एक है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ये क्या, देखो इट कॉल्स फॉर एक्टिव एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में एक्टिव क्या करता है, सहयोग को बढ़ाता है, टू कंजर्व द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंह वाले गैंडे को बचाने के लिए। आगे देखो, द प्लान सेट द सिंगल पॉपुलेशन ऑफ राइनो इन सुकला वांटा नेपाल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंडिया, एंड चितावन नेशनल एंड दुधवा इज सेपरेटेड बाय द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो चारों हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको पॉलिटिकल जो बाउंड्री है वो अलग कर रही है, ठीक है। ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ये क्या है, बाउंड्री के द्वारा अलग है भारत और सीमा की, इसलिए इनका प्रबंधन बेहतर नहीं हो पा रहा। नेपाल अपनी तरफ से प्रयास करता है, भारत अपनी तरफ से, तो अगर इनका मिलकर अगर प्रबंधन किया जाए तो इनको क्या किया जा सकता है, बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। तो यही इसमें कहा गया है, इट आस्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टू पॉपुलेशन अंडर द सेम प्रोटोकॉल। ये जाता है कि दोनों का क्या हो, समान प्रोटोकॉल के तहत क्या हो, कंजर्वेशन हो। भारत अपने अलग तरीके से कंजर्व कर रहा है, वो अपने अलग तरीके से कंजर्व कर रहा है, तो इसका उद्देश्य है कि दोनों मिलकर एक ही तरह के नियम लाएं, एक ही तरह के उपाय करें जिससे इनका क्या हो जाए, संरक्षण हो। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग द टू पॉपुलेशन सेपरेटली, अलग अलग मैनेज करने से अच्छा मिलकर इसे मैनेज करें। द प्लान कॉल्स फॉर एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेंज एज द ऑकरेंस ऑफ 90% ऑफ द राइनो इन द प्रोटेक्टेड एरिया इज कॉज ऑफ कंसर्न। वो कह रहा है कि 90% एक में ही है, ये कंसर्न का विषय है, इसलिए इसकी रेंज को हम क्या बढ़ा देते हैं। एंड कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल राइनो हैबिटेट नीड टू बी मेड ए नेशनल प्रायोरिटी। और इनके आवास की सुरक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए। बस इतना याद रखना, भारत और नेपाल मिलकर सहयोग कर रहे हैं, ये नेशनल पार्क हैं, जो ये संरक्षित क्षेत्र हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो करना क्या है, इनका मिलकर क्या किया जाए, मैनेज किया जाए, अलग अलग ना प्लान बनाए, मिलकर इनके लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करें और इनको मैनेज करें। तो ये था आपका इतना, तो जो मेन थे वो मैंने करवा दिए, बाकी सब मैंने क्लास में करवाया, उन्हें भी देख लेना। तो ये सब न्यूज में रहे, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।